नमस्कार। आज नमस्कार। जन सरोकार मंच के साक्षात्कार कार्यक्रम में हम किशोर श्रीवास्तव का साक्षात्कार प्रकाशित प्रसारित कर रहे हैं। किशोर श्रीवास्तव का नाम संपादक के रूप में और लेखक के रूप में जाना पहचाना है। इसके अलावा इनकी अभिरुचि अभिनय, गायन, इन सब कलाओं में भी रही है। किशोर श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, आप हमारे कार्यक्रम में आज उपस्थित हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। और मैं चाहता हूं कि आप अपने बारे में हमें बताएं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका गांव, आपका शहर कौन सा है, और दिल्ली में आप कब आए। वर्तमान समय में आप ग्रेटर नोएडा में निवास कर रहे हैं। आपने केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की पत्रिका का भी संपादन किया है। आप अपने बारे में हमें बताएं। जी, बस हमारे बारे में तो आपने बता दिया। वैसे मैं, मेरा बचपन मोतिहारी बहराइच जिलों में बीता है, और बहराइच जिले में मेरा बहुत गोल्डन पीरियड था बचपन का। जब मैं 8, 10, 11, 12 साल का था, तब मैं गायन करता था, और उस समय बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों में मेरा गायन होता था। और छोटी अवस्था में ही मैं किसी सेलिब्रिटी जैसा था वहाँ बेशक। उसके बाद फिर साहित्य लाइन में आ गए और तरह तरह की कोशिशें की कि मतलब ये सोचिए कि अपना जेब खर्च निकालने के लिए मैंने तरह तरह के काम किए। किशोरावस्था में भी, युवावस्था में भी, दैनिक जागरण झांसी में मैंने पार्ट टाइम नौकरी की, पढ़ाई के साथ साथ बीकॉम एलएलबी किया था। उस समय मैंने पढ़ाई के साथ साथ नौकरी की। और झांसी की बात करें, 1986 में मेरी नियुक्ति कृषि मंत्रालय के कार्यालय में हो गई थी, जहाँ पब्लिकेशन काम के लिए उसके संपादकीय विभाग में मेरी नियुक्ति थी। तो 1986 से लगातार मैं भारत सरकार के मंत्रालय में रहा, और मैं कुछ समय मैंने समाज कल्याण पत्रिका, एक बहुत लोकप्रिय पत्रिका है केंद्रीय समाज कल्याण, उसका संपादन भी किया। और मेरी नियुक्ति कृषि मंत्रालय में हुई थी, वहाँ संपादकीय विभाग में मैंने काम किया काफी समय तक। फिर राजभाषा विभाग का भी काम संभाला, और केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की बहुत लोकप्रिय पत्रिका थी जो 60-62 साल तक लगातार प्रकाशित होती रही, उसका भी मैंने संपादन किया। और उसके बाद अब सेवानिवृत्त के बाद मैं अपने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में संपादन लेखन के कार्य में जुड़ा हुआ हूँ, और साथ में ही कवि सम्मेलन है, गायन है, या छोटी छोटी फिल्म बनाते हैं हम लोग सामाजिक विषयों पर, वो सब हमारा काम चलता रहता है। संपादक रहे हैं, जैसा कि आपने बताया, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में पत्र पत्रिकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आज के दौर में पत्र पत्रिकाओं का जो अस्तित्व है वो संकट से घिरा हुआ है। सरकारी पत्र पत्रिकाएं तो अनुदान पर और सरकारी संरक्षण पर वो प्रकाशित हो रही हैं, लेकिन बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं जो हैं वो बंद हो गई हैं व्यावसायिक मतलब घाटे की वजह से। तो पत्रकारिता, हिंदी के प्रचार प्रसार में पत्रकारिता का क्या योगदान है, खासतौर से पत्र पत्रिकाओं का, और पत्र पत्रिकाएं जो हैं इस डिजिटल युग में जिस संकट से गुजर रही हैं उसके बारे में हमें बताएं। एकदम खत्म हो गई है या बंद हो गई है किसी न किसी रूप में, जो पहले पत्रिकाएं छप कर आती थी उनका एक उत्साह अलग होता था, पढ़ने का एक मजा अलग आता था। और हम लोग बचपन में भी देखते थे कि हम लोग जब वहाँ घर के पास कोई ऐसी बुक स्टॉल नहीं होती थी, बहराइच जिले का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ लगभग 5-6 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन था, जहाँ पहले एच व्हीलर्स की दुकानें हुआ करती थी पुस्तक की, वहाँ हम लोग पैदल जाते थे हम दो भाई, और रास्ते भर पत्रिका के लिए लड़ाई झगड़ा होता था कि पहले कौन पढ़ेगा, और घर में आते ही सभी पढ़ते। अखबार होता था, अखबार झपट कर पढ़ने की सभी में ललक रहती थी घर में जो भी। मगर धीरे धीरे समय बदला है अब, क्योंकि इसका मैं एक कारण सबसे बड़ा, बहुत सी पत्रिकाएं बंद हो गई, कोविड के समय भी बहुत सी पत्रिकाएं बंद हुई क्योंकि उनका कोई उपयोग नहीं रहा। कोविड के समय तो वैसे ही 2 साल तक बंद रही,
इसके बाद क्या हुआ कि मैं भी एक पत्रिका निकालता था, हम सब साथ साथ, मेरी श्रीमती निकालती थी और मैं उसका सहयोगी था, तो वो पत्रिका भी हम लोगों ने काफी समय निकाला। मगर बाद में यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि ये दिल्ली से सटा ग्रेटर नोएडा है और बहुत से जगहों से मैं ये मुझे ये शिकायत मिलती है कि वहाँ पत्र पत्रिकाएं पहुंचती नहीं है, लिफाफा पोस्टकार्ड, ये तो बीते जमाने की बातें हो गई हैं। तो जब पत्रिकाएं पहुंचेंगी नहीं तो आप हम और उसको छाप, लघु पत्र पत्रिका वाले तो वैसे ही संकट में रहते हैं, हम पत्रिका छाप दें उसको भेजें, किसी को मिले नहीं, और जब हम किसी से शुल्क लेते हैं उसको पत्रिका नहीं मिलती तो वो हमें बुरा भला भी कहता है कि भाई संपादक जी हमारा पैसा खा गए, किसी को डाक विभाग की स्थिति नहीं समझ में आती है। तो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ ग्रेटर नोएडा में हमारे डाक की स्थिति बहुत खराब है। मैंने कई बार स्तरीय अधिकारियों तक से बात की मगर वो समाधान नहीं हुआ, सिवाय इसके कि रजिस्टर्ड पत्रिकाएं आती हैं। मैं बहुत सी पत्रिकाओं का सदस्य हूँ मगर जो मतलब पंजीकृत डाक से आती है पत्रिकाएं वही मुझे मिल पाती हैं, नहीं तो जो पहले थैले थैले भर पत्र पत्रिकाएं आती थी, चिट्ठी पत्री आती थी, वो अब जमाना खत्म हो गया है। तो जब पत्रिकाएं आपके पास पहुंचेंगे नहीं, आपके नजदीक कोई बुक स्टॉल नहीं होगा, आप दूर जा नहीं सकते क्योंकि अब जमाना वैसा नहीं है कि 5 किलोमीटर दूर जाके कोई पत्रिका लेके आए, खर्चीला हो जाता। हम यहाँ से पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो हमें 250 रुपये खर्च हो जाते हैं एक तरफ से, तो कैब में जाना पड़ता है, पैदल नहीं जा सकते। तो डाक पेटी कहीं नहीं है हमारे इलाके में और ये कमोबेश बहुत से शहरों की यही दशा है। बहुत से लोग इस तरह की बातें करते हैं कि उनके यहाँ डाक नहीं आती है, पत्रिकाएं नहीं मिलती हैं, तो जब मिलेंगे नहीं तो संपादक छाप के भी क्या करेगा। मैंने भी बंद कर दी, बहुत बहुत सारी गालियां खाई लेखकों से, सदस्यों से, उसके बाद फिर बंद करना पड़ा। मगर यह है कि अब वो दूसरे रूप में, जैसे अब डिजिटल रूप में पत्रिकाएं में मिल रही, ई पत्रिका मिल रही है, उसका PDF मिल जाता है, तो जिनको शौक है पढ़ने का वो पढ़ते ही है। मैं भी विशेषकर इन पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए कोई विशेष समय नहीं होता है कि हम पूरे समय, जैसे बचपन में हम पढ़ते थे कि हर समय पत्रिका पुस्तक लिए बैठे हो, अब ऐसा नहीं होता है। जब हम कहीं सफर में होते हैं, कहीं खाली उसमें होते हैं, तो हम वो पत्रिकाएं उसकी PDF या उसका ई संस्करण जरूर पढ़ते हैं। और बिल्कुल खत्म हुई है ये नहीं कहा जा सकता है, आजकल निरंतर बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित हो रही है, बहुत से विमोचन देखने को मिलते हैं देश भर में, जो पहले कभी महीने 6 महीने पे साल भर में जो विमोचन के समारोह होते थे, पत्रिकाओं के समारोह, तो अब मुझे लगता है 10 दिन में होते ही रहते हैं। दिल्ली जैसे NCR में तो हर हफ्ते कोई ना कोई पत्रिका का विमोचन, पुस्तक का विमोचन या कोई साहित्यिक कार्यक्रम चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं रुचि तो बनी हुई है, बेशक उसका स्वरूप बदल गया है, मगर ऐसा नहीं है कि ये इस पे एकदम खत्म हो गई है जिनको पढ़ने के। हाँ, ये जरूर है कि बहुत सी पत्रिकाएं बंद हुई हैं आर्थिक कारणों से, और एक कार्यक्रम में मेरी किसी बड़े संपादक से, उन्होंने अपनी पत्रिका बंद कर दी थी, उस पर मैंने सवाल किया, तो उन्होंने कहा जब हम लोग, हमारे पास अर्थ का संकट है, हम लोग पत्रिका नहीं निकाल पा रहे, परंतु आपकी तो सरकारी पत्रिका है जिनको कोई अनुदान की कोई दिक्कत ही नहीं है, सरकार के बहुत से वेलफेयर के काम होते हैं उसमें एक पत्रिका को भी रख सकते हैं, मगर सरकार ही पत्रिकाएं भी निरंतर सब बंद होती रही हैं। तो उनका तर्क भी सही था, जब सरकार ही इसमें मतलब ठंडी पड़ गई है तो जो जो पत्र पत्रिका हम लोग जेब से निकाल के प्रकाशित करते हैं तो हम क्यों, हमने भी लाखों रुपए खर्च किए जेब से और उसका रिजल्ट शून्य रहा। हर चीज में आप विज्ञापन लेने जाएंगे उसके लिए बहुत सी दिक्कतें होती हैं, आप कागज वाला कोटा होता था वो सब खत्म ही हो गया, डाक विभाग की दशा ऐसी है। तो विशेषकर जो लघु पत्र पत्रिका वाले हैं वो तो उनकी तो जान ही निकल जाती है, जेब से पैसा भी लगाएं और फिर उसका कोई परिणाम भी ना निकले, तो ऐसे में थोड़ा सा तो दिक्कत हो जाती है। बस यही है कि जो लोग हिम्मत करके उसका PDF भेजते हैं या ई पत्रिका निकाल रहे हैं उनको मैं नमस्कार करना चाहूँगा, ऐसे लोगों को जो अभी भी इस लाइन से हटे नहीं है और अपने पत्रकारिता धर्म को लगातार निभा रहे हैं। किशोर श्रीवास्तव जी अभी इसके बारे में हमें बता रहे थे कि पत्र पत्रिकाएं सचमुच संकट के दौर से गुजर रही हैं, मुद्रित पत्रकारिता खासतौर से पत्र पत्रिकाओं की जो दुनिया है वो खत्म हो रही है, उजड़ती जा रही है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है और ऐसे में सरकार को विशेष तौर पर संरक्षण के उपायों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। खैर, मैं अब किशोर श्रीवास्तव जी से
दूसरे विषयों पर बातचीत करना चाहूंगा और मैं इनके साहित्य लेखन के बारे में आपको बताना चाहूंगा। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं और किशोर श्रीवास्तव जी आपको बताएंगे कि अलग अलग विधाओं में जो इन्होंने किताबें लिखी हैं वो सब किताबें कौन कौन सी हैं और इसके बारे में आप सुने इनकी जबानी ही। सबसे पहले बता दूं कि मैं एक सनकी प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं और जो ठान लेता हूं उसमें घुसने की कोशिश करता हूं। जब मैं किशोरावस्था में था और मुझे लगता था कि मैं कुछ कमाऊं तो मैंने उस समय सब काम किए। लेखन में हमने लेखन खूब किया, अखबार में पत्रकारिता की, इसके अलावा पढ़ाई के साथ साथ निकलता था। थोड़ा और लगा तो किसी को देखा कार्टून बनाते हुए मेरे मित्र, तो मैंने कार्टून बनाना शुरू कर दिया। काग भी बहुत प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हुए हैं, जब सत्ता में उनके कार्टून आते थे मैं उनके कार्टून की नकल मार मार के कि मैं इस क्षेत्र में भी जाऊं वो भी करने लगा। उसके अलावा व्यंग है, कविता है, सब। चूंकि मैं संपादक भी रहा हूं तो मुझे लगता था कि अगर संपादक मैं हूं तो मुझे हर चीज का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं संपादक तो हूं मगर मुझे गजल का ही नहीं पता है, दोहे का ही नहीं पता है, कहानी कैसे होती वही नहीं पता है, तो मैं संपादन क्या करूंगा। अमूमन भारत सरकार या किसी भी सरकारी कार्यालय में एक प्रमोशन की प्रक्रिया होती है जिसमें अगर आपकी क्वालिफिकेशन पूरी हुई तो आपको पद मिल जाता है। उससे मतलब नहीं होता कि आपकी रुचि कितनी है, आप उसमें कितना आपका समर्पण है उस काम के प्रति, तो मिल जाती है। मुझे भी मिल गया, परंतु मुझे बचपन से चूंकि इन सब की रुचि थी तो मुझे आनंद आया इन सब कामों में और मैंने एंजॉय करते हुए सब काम किए, चाहे राजभाषा विभाग का काम था, चाहे इसका पत्रिका का काम था। और दूसरे, जैसे हमने बताया कि एक सनकी प्रवृत्ति थी, मैं संगीत में भी इसीलिए आया कि मैं कुछ कमाऊं और गायन किया। फिर उसके बाद किसी को देखा कि ये कोई बहुत अच्छी कॉमेडी कर रहा है, के नायकर जैसे लोगों को देखा तो मैं कॉमेडी में भी उतर आया। तो बस ये लगता था कि, हालांकि मेरी सोच अब मुझे लगती है कि वो गलत थी कि हर क्षेत्र में किस्मत नहीं आजमानी चाहिए, किसी एक क्षेत्र को पकड़ के आगे बढ़ना चाहिए, परंतु मेरी सनक थी, मेरी ललक थी कि मैं चाहता था मैं हर क्षेत्र में घुसूं। इसी घुसने के चक्कर में मैंने बहुत सी चीजें थोड़ी थोड़ी सीखी और चूंकि मैंने इसको प्रोफेशन नहीं बनाया तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं प्रोफेशन बनाता किसी भी चीज को तो शायद हो सकता है मेरे लिए दिक्कत आती, क्योंकि हर क्षेत्र में कोई आदमी परिपक्व हो जाए एकदम ऐसा नहीं होता है। तो बस ये था कि सरकारी नौकरी थी और नौकरी में मुझे मन लगता था इन सब कामों में और मेरे जितने भी अधिकारी थे उनसे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता था। जितने वरिष्ठ अधिकारी थे मेरे मंत्रालय के या मेरे सीनियर थे उनसे मुझे प्रोत्साहन भी बहुत मिलता था। वो मुझे नए नए आइडियाज देते थे, पत्र पत्रिकाएं पूरी उनकी निगरानी में रहती थी कि मतलब किशोर जी जो छाप रहे हैं उसमें और बेटर और अच्छा बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो मुझे बहुत सहयोग भी मिला। किशोर श्रीवास्तव जी, आप मुख्य रूप से सरकारी पत्र पत्रिकाओं के संपादक रहे हैं जैसा कि आपने बताया, कई मंत्रालयों की पत्र पत्रिकाओं का आपने संपादन किया है, तो संपादक के रूप में आपने अपनी पत्रिकाओं में किस तरह के लेखों को, कविताओं को आपने प्रकाशित किया और उनके बारे में बताएं, ताकि सरकारी जो पत्र पत्रिकाएं हैं अलग अलग मंत्रालयों की अलग अलग विषयों की उनके बारे में हम लोगों को कोई जानकारी मिल सके। पत्र पत्रिकाओं से मैं परिचित हूँ, योजना पत्रिका से मैं परिचित हूँ या आजकल से मैं परिचित हूँ, और लेकिन आपने जिन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है उनकी विषय वस्तु के बारे में आप बताएं। सरकारी पत्रिका के अलावा मैंने किशोरावस्था में हमारे एक भाई थे अरुण श्रीवास्तव मुन्ना जी, जो एक ब्रिकपाल नाम की पत्रिका निकालते थे झांसी से। उस समय छोटी पत्रिकाएं, लघु पत्रिकाएं भी बहुत फेमस हो जाया करती थी क्योंकि लेखन के अवसर उसमें रहते थे और बड़ी पत्रिकाओं तक लेखकों की पहुंच नहीं होती थी। तो वो हम लोगों ने 10वीं 12वीं में थे तब वो ब्रिकपाल पत्रिका का संपादन किया। वो हमारे सब सामाजिक विषय होते थे और मैं जितनी भी पत्र पत्रिकाओं से जुड़ा, बहुत से अखबारों में कॉलम लिखे, बहुत से दोस्तों की पत्रिकाओं का संपादन किया। अभी भी मैं सरस्वती सुमन, एक पत्रिका हमारी देहरादून से निकलती है, डॉक्टर आनंद सुमन सिंह जी निकालते हैं, उसका मैं बीच बीच में संपादन भी करता रहता हूँ, उसमें बच्चों का एक कॉलम देता हूँ। तो मेरी जो सोच रही है वो मेरी पत्रिकाओं पर हावी रही है। मैं समाज कल्याण पत्रिका जो थी वो तो वैसे भी सामाजिक थी, उसमें कोई अलग की चीजें होती नहीं थी,
वो मेरे मन का विषय था, मैं सामाजिक विषयों पर लेख मंगवाता था, कहानी मंगवाता था और विशेषकर वैसी चीजें मुझे छापने में आनंद आता था जो बहुत दिल को छूने वाली हो। तो बेशक बहुत सी मार्मिक कहानियां आती थी, लेख ऐसे आते थे जो आप पढ़ के संपादन करते हुए भी कई बार आंसू आ जाते थे आंखों में। तो मुझे ऐसी चीजें पसंद थी और कुछ ऐसा चाहते थे कि जिससे लोगों को कुछ प्रेरणा मिले, कुछ शिक्षा भी मिले, कुछ सीखने को मिले, कुछ समाज में परिवर्तन आए, बेशक वो बूंद भर हो मगर परिवर्तन आए। और हमारे मंत्रालय की जो पत्रिकाएं थी उसमें तो कृषि का विषय होता था मुख्यतः, मगर बीच बीच में उसमें भी हम कई चीजें ऐसी देते थे, कहानी अनुमति लेके हमने कई चीजें ऐसी दी, चाहे ग्रामीण परिवेश की कहानियां हो, चाहे खेती किसानी की कहानियां हो, आलेख हो, तो ये सब भी उसमें डालते थे जिससे हर तरह के पाठक जुड़ सके। मात्र कृषि का ज्ञान देना नहीं था कि बीज कैसे बोए, फसल कैसे उगाए, इसके अलावा कुछ उसमें मनोरंजन की चीजें भी डालते थे, मनोरंजन की, जिससे गांव कस्बे में जब वो पत्रिका जाए तो जो वहाँ के पाठक हैं उनको कुछ उसमें मनोरंजन भी मिल सके, कुछ रोचक जानकारियां भी मिल सके। तो मेरा जो अपना तेवर था वो मैंने कभी छोड़ा नहीं, और इत्तेफाक ऐसा रहा कि वो सराहा गया तो मुझे प्रोत्साहन मिला तो मैं करता रहा निरंतर। तो मुख्यतः सामाजिक विषय लेकर या राष्ट्रीय विषय होते थे, देशभक्ति के होते थे, इस तरह के विषयों पर हमने ज्यादा फोकस किया और इन्हीं सब विषयों पर अपनी सारी पत्रिकाएं केंद्रित रखी। अभी भी जो हम सरस्वती स्मरण का संपादन करते हैं उसमें बीच बीच में ऐसे अंग निकालते हैं जिससे समाज में कुछ सुधार की संभावना जगे, कुछ देशभक्ति लोगों में आए, इस तरह की चीजें निकालते रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे इन सब सारी बातों को सुनकर कि संपादक के रूप में आपने राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर लेखों का प्रकाशन किया, आपने ग्रामीण अंचल के जीवन के जो विषय हैं उनसे जुड़ी कहानियों कविताओं को आपने प्रकाशित किया, आपने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से इसके लिए अनुमति प्राप्त की और कृषि जैसे विषय पर भी पत्रिका का संपादन करते हुए आपने इन सब सुरुचिपूर्ण विधाओं में रचनाओं को संकलित करके पत्रिका को सरस बनाया। और आप जानते हैं कि आज के दौर में जो व्यावसायिक पत्रिकाएं हैं और व्यावसायिक चैनल सब जो हैं, इनका जो धूम धड़ाका है, जो शोर शराबा है, उसमें आकाशवाणी जैसे एक बहुत महान मतलब संस्था के जो कार्यक्रम सब हैं उनका व्यूअरशिप काफी कम होता जा रहा है। वायरल होती हुई खबरों और समाचारों में सोशल मीडिया पर है ना लोग ज्यादा निर्भर करने लगे हैं, तो मीडिया का जो परिदृश्य है वो बहुत बदलता जा रहा है। और एक ऐसे ही समय में आपने इन सब प्रसंगों की याद फिर से दिलाई है कि पत्रकारिता एक बहुत जवाबदेही का काम है और इसका जो लक्ष्य होना चाहिए वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बदलाव से, परिवर्तन से, विमर्श से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और आज के दौर में ये सब सारे प्रसंग जो है वो संकट से घिर रहे हैं। लघु पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी बाधित हो रहा है, जैसा कि आपने बताया कि विज्ञापन वगैरह में कटौती की जा रही है, आपकी अपनी पत्रिका भी बंद हो गई, डाक विभाग की लापरवाही का जिक्र आपने किया, मैं खुद भुक्त भोगी रहा हूँ। दिल्ली में मैं आप लोगों की तरह से फ्लैट लेकर नहीं रहता था, ऐसे मकानों में रहता था जहाँ पर कमरे का की व्यवस्था हुआ करती थी और वहां डाकिया जो है वो आकर के मकान मालिक को सारा डाक वो सौंप देता था। उस बिल्डिंग में जितने भी कमरे होते थे सभी लोगों का डाक जो है वो मकान मालिक को वो सौंप देता था। और मकान मालिक जो है कई बार मुझे याद आता है कि आकाशवाणी से भेजे हुए चेक्स होते थे वो मुझे नहीं देता था, मेरी नियुक्ति की या और सब जो चिट्ठियां होती थी वो सब वो नहीं देता था, छिपा देता था। क्यों पता नहीं क्या मानसिकता रहती है, डाक विभाग की लापरवाही से पूरा महानगर जो है वो त्रस्त है। बल्कि गाँव में छोटे कस्बों में डाक विभाग जो है बहुत आत्मीय ढंग से अपने रिश्ते तमाम घरों से बनाए हुए है और वहां पर इस व्यवस्था आज भी चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रही है। किशोर श्रीवास्तव जी, आप अपने प्रिय लेखों के बारे में भी हमें बता सकते हैं? किशोर और जवानी के दिन थे तो हमें गुलशन नंदा बहुत प्रिय होते थे और इसलिए और ज्यादा उनके प्रति आकर्षण रहता था कि उनकी फिल्में भी देखते थे, कई बार उनकी फिल्में बनती थी तो वो मेरे प्रिय लेखक। और हम लोग उस समय छुप छुप के, क्योंकि घर में डांट पड़ती थी उस समय, उपन्यास ये जो पॉकेट बुक्स वाली है उसको घर वाले पढ़ने नहीं देते थे कि ये सब पता नहीं क्या क्या इसमें होता है, मगर हम लोग बाल पैकेट बुक्स बहुत पढ़ते थे, बहुत से बच्चों की
उसने वो पॉकेट बुक्स लाला के पढ़ते थे, खुद लिखा भी, आठवीं नवीं क्लास में एक बाल उपन्यास भी लिखा। तो गुलशन नंदा से शुरू होकर उस जमाने के जितने भी ये जिनकी फिल्में आती थी विशेषकर उनके जरूर, और उसके अलावा हमारे प्रेमचंद जैसे बहुत प्रिय लेखक रहे जिनको हम घुट घुट के पढ़ते थे, शिवानी जी हैं, इन सबको बहुत हमने प्यार से, और आजकल के उसमें चित्रा जी हैं जैसे, है ना, ऐसे बहुत सारे लेखक लेखिका है जिनको हम लोग क्योंकि पढ़ते ही रहते थे। हम लोगों ने जो जिंदगी में जो कमाई की वो 12वीं बीए बीकॉम तक केवल पढ़ना ही काम होता था, चाहे छुप के पढ़े चाहे रास्ते में पढ़े कहीं, मगर पढ़ने का इतना ललक थी कि वही पढ़ाई हम लोग के अब तक काम आ रही। और अभी एक हमने कानपुर में एक शिवानी जी पर बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था उनकी जन्म शताब्दी पर, उसमें भी मेरा पूरे 2 दिन का कार्यक्रम था, संचालन का था, बहुत बड़े बड़े लेखक लेखिका आए और फिल्म इंडस्ट्री के लोग आए थे जिन्होंने शिवानी की कहानियों पर वहाँ नाटक किया, संगीत किया, कबीर के उस पर किया, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम था। तो ऐसे में लोगों की यादें बहुत ताजी भी हो जाती हैं, और जो बचपन के दिन होते हैं वो किस्से कहानियाँ गाँव कस्बों की मोहल्लों की वो फिर से ताजा हो जाती हैं। तो बहुत सारे ऐसे लेखक रहे हैं अभी भी निरंतर, आजकल तो क्या है कि जो हमारे बीच लेखक रहते हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं परंतु वो वैसी ख्यात वाले लेखक नहीं है, राकेश जी जैसे थे, प्रेमचंद जी जैसे थे, शिवानी जैसे थे, चित्रा जैसे, ऐसे लोग मिलते नहीं, हम लोग फेसबुक तक ही सीमित हो गए हैं और वही पढ़ते हैं, वही सब उगल भी देते हैं जो भी चीज होती है। तो ऐसे बहुत सारे लेखक रहे जिनको पढ़ पढ़ के किशोर से जवान हुए, जवान से अब बूढ़े होने को आ रहे हैं, परंतु अभी भी ललक रहती है कि कोई चीज ऐसी छूटे नहीं, कोई अच्छी चीज जो कहीं फेसबुक पे दिख जाती किसी बड़े लेखक की तो उसको जरूर पढ़ते हैं, या कहीं किसी लेखक की पुस्तक का विवरण मिल गया, चाहे किताब घर के प्रकाशन हो, राजकमल प्रकाशन हो, तो वहां से मंगा के पढ़ते हैं, बेशक उसको किस्तों में पढ़े बहुत समय लग जाता है पढ़ने में, आजकल ऐसा नहीं है कि बचपन जैसे एक बार बैठे तो 2 घंटे पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता, किस्तों में पढ़ना पड़ता है, मगर पढ़ने की लड़ा कभी खत्म नहीं हुआ, और ये सब मेरे प्रिय लेखक आज भी मेरे दिल दिमाग में जिंदा है। तो अभी जैसा मैंने बताया कि मैं 8वीं 9वीं में पढ़ता था तब जो पॉकेट बुक्स पढ़ता था बच्चों वाली बाल पॉकेट बुक्स, तो उनका नशा ऐसा चढ़ा कि मैंने भी एक उपन्यास लिखा छोटा सा, और उसको घर से मम्मी पापा से और किसी से पैसे लेकर उसको खुद छपवाया। मुझे पता नहीं था पुस्तकें कैसे छपती हैं, अनाड़ीपन था, मगर किसी तरह वो छपी और उसकी 2-4 प्रतियां हम बेचने में भी सफल रहे। तो अभागा राजकुमार नाम से हमारी एक बाल पॉकेट बुक थी, उसका खैर अब कोई नामो निशान नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई, कहाँ सब छूट गया, बहुत से जगह मकान बदलने होते हैं, बहुत से जगह सब पुरानी चीजें हटानी पड़ती, उसमें वो चली गई। उसके बाद मैंने लगभग 2000 के आसपास मैंने फिर से पुस्तकों की ओर मेरा ध्यान गया, तो मेरी 10-11 के करीब बाल पुस्तकें छपी, बाल कहानियों की, इसके अलावा एक कहानी की पुस्तक छपी है, एक व्यंग की, एक कार्टून की, और इस तरह से मेरी लगभग 14-15 पुस्तकें आई हैं, और अभी 5-7 पुस्तकें प्रकाशनाधीन हैं जो लगभग 70-75% काम हुआ है, मगर ये था कि इत्मीनान से करेंगे तो इत्मीनान के दिन आते नहीं हैं, आदमी रिटायर होता है तो भी वो और व्यस्त हो जाता है, इसी पहले सोचते थे कि चलो रिटायर होंगे तो ये जो 5-7 पुस्तकें और पढ़ी हैं उसको 10 तक ले जाएंगे और खींचेंगे, एक अपनी वो आत्मकथा के ऊपर भी है, परंतु वो लगातार कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलते रहते हैं, कोई ना कोई किसी बोर्ड से कुछ जुड़े हैं हम ये शिक्षा के उसमें, तो उनके लिए चैप्टर लिखना, उनके प्रश्न पत्र जांचना, ये सब बहुत से काम उड़ते रहते हैं तो चलते रहते हैं, तो उस चक्कर में मेरी पुस्तकें रह गई, परंतु 14-15 पुस्तकें भी मेरी हैं। और मुझे लगता था 2017 के बाद में मेरी कोई पुस्तक नहीं आई है, बस सब लंबित हैं और पांडुलिपियां उसकी आधी दूरी सबकी पड़ी हुई हैं, बस अब कब वो दिन आएगा, कब अच्छी होंगे, उसको पूरा करके हम उसको छाप माने की कोशिश करेंगे। जैसे लगा तो उसमें समय नहीं मिलता है, सोचते बहुत है कि भाई चलो समय निकाल के, मगर लगातार अब एक बोर्ड है
एक प्रदेश का उसकी उसके चैप्टर लिखने होते हैं साल में, फिर उसकी कॉपियां जांचनी है, उनके प्रश्न पत्र बनाने हैं, तो इसमें उलझे रह जाते हैं। और बहुत से कार्यक्रम भी चलते रहते हैं क्योंकि कई तरह की विधाओं से जुड़े हुए हैं, तो कभी गायन के कार्यक्रम में भी चले जाते हैं, कभी साहित्यिक कार्यक्रम, कभी कभी सम्मेलन, कभी आपके एंकरिंग करता हूँ तो उसके लिए आमंत्रित किया जाता है तो चला जाता हूँ, किसी को मना नहीं कर सकता हूँ। और जाने जाते रहने से अपनी जवानी भी बरकरार रहती है। ये भी है कि भाई अगर हम ये सोच के कि अब भाई उम्र हो गई, अब कुछ नहीं करना, अब आराम करना है, तो शायद वो आराम ही करते रह जाएंगे। इसलिए अपने अंदर के बच्चे को न मरने दें, इसके लिए निरंतर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हाँ ये है कि जो बैठ के करने वाला काम है कि लगातार कुछ समय देना हो, वो थोड़ा रह गया, अभी मेरा लंबित पड़ा है, मगर हाँ कागजों में चल रहा है। मुझे लगता है कि इस साल या अगले साल तक हमारी 3-4 पुस्तकें और आ जानी चाहिए। मैं पे अब काम करना लगभग शुरू कर दिया और हो भी जाएगा वैसे, क्योंकि पूरे पूरे विशेषांक निकालते हैं कुछ पत्रिकाओं के, तो उसमें 100-100 पेज के होते हैं, उसमें आर्टिकल मंगाना, इन सब में काफी समय निकल जाता है। और ये सब दोस्ती यारी में होता है, उसके लिए कोई भुगतान भी मैं नहीं लेता हूँ, कोई पारिश्रमिक नहीं लेता हूँ। हाँ जो सरकारी कार्यालय है वहां से तो पैसा आता है, पर जो मित्रों की पत्रिकाएं हैं उसमें मैं किसी से पैसा नहीं लेता हूँ और उनका निःशुल्क काम करता हूँ। तो इस वजह आप आपने अभिनय भी किया है, गायन भी आपने किया है, फिल्मों में छोटी छोटी फिल्में आप बनाते रहे हैं, तो सिनेमा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सिनेमा पहले समाज को जिस तरह से प्रभावित कर रहा था, या समाज में जो सिनेमा की मौजूदगी थी, एक बहुत बड़े कारोबार के रूप में होते हुए भी सिनेमा क्या समाज से आपको दूर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? सिनेमा और समाज का एक गहरा रिश्ता हुआ करता था, वैसे ही जैसे साहित्य और समाज का एक रिश्ता रहा है। तो हाँ, सिनेमा का स्वरूप भी बहुत बदल गया है, पत्र पत्रिकाओं का जितना नहीं बदला है उतना सिनेमा का बदल गया है। और आप आजकल बच्चे किसी से फिल्म को दिखाने ले जाते हैं तो मैं माथा पकड़े बैठा रहता हूँ, ये क्या हो रहा, मगर वो फिल्म हिट हो जाती है और बच्चों को बहुत भाती भी है। तो मुझे ये जो नकली चीजें होती हैं फिल्मों की, कि हीरो साहब 100-100 से भिड़ रहा है, आसमान से कूद रहा है, ये सब चीजें मुझे रास नहीं आती है। जो पहले हम लोग सिनेमा देखते थे, चाहे जिस जमाने के, मैं तो ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने की भी फिल्में अभी भी निकाल निकाल के देखता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी अछूती कहानियां मिल जाती हैं, बहुत सामाजिक, पहले के जो भी फिल्में होती थी उसमें एक मैसेज होता था, उसमें एक संदेश होता था, उसमें अच्छाई बुराई का एक वो दिखाया जाता है था कि अच्छाई का जीत और बुराई का पतन, ये दिखाया जाता था। परंतु अब तो उल्टा ही हो गया है, अब तो कोई डॉन बन जाएगा तो उसी के लोग दीवाने हो जाएंगे, उसने 10 को मार दिया तो उसके दीवाने हो जाएंगे। तो अब जमाना बहुत बदल गया है और आजकल की फिल्में मुझे मेरे जैसे लोगों को तो नहीं पसंद आती, बेशक बहुत लोगों को पसंद आती है और अब तो करोड़ों का हो गया, 500 करोड़ के क्लब में शामिल है ऐसी फिल्में, तो वैसी फिल्में तो बनती भी नहीं है। हाँ यह है कि अभी भी कुछ चैनल पे, कुछ दूरदर्शन वगैरह पे उस समय के हिसाब से फिल्में अभी भी आती हैं, साफ सुथरी फिल्में आती हैं। और मैंने इसीलिए मैंने बहुत से पाकिस्तानी धारावाहिक भी देखे क्योंकि उसमें मुझे कुछ नयापन लगा, साफ सुथरे धारावाहिक होते हैं। अपने यहाँ तो वैसे ऐसी फिल्में और धारावाहिक बनने लगे, आप बच्चों के साथ बेशर्मी से बैठे रह जाए तो बैठे रह जाए, नहीं तो आप अगर वो जमाना होता तो आप 2 मिनट के लिए बैठ नहीं सकते थे। तो ऐसे इस वजह से मैं दूसरे देशों की फिल्में भी देखता हूँ, जो जहाँ कुछ ऐसी फिल्में बनती हैं जो साफ सुथरी होती है तो वो देखता हूँ, और उसमें कुछ कहानी भी रहती है, कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हम लोग अपने हाथ से तो जो सीखते सीखते हैं दूसरे से भी कुछ सीखने मिलता है। तो कुल मिलाकर यही है कि आजकल की फिल्मों से कोई वास्ता नहीं है। हाँ कुछ फिल्में कभी कभी बीच बीच में ऐसी आ भी जाती है जिसमें कुछ कहानी होते हैं, कुछ उसमें संदेश होता है, कुछ उसमें मनोरंजन के साथ साथ कुछ शिक्षा भी मिलती है, तो ऐसी फिल्में बीच बीच में देखी भी, ऐसा नहीं है। मगर जो ज्यादातर जो मार धाड़ की और इस तरह की फिल्में आती है, हिंसा की और खून खराबे की, वो ज्यादातर तो वही आती है। आप टीवी भी खोल लीजिए और एक देखिए फिल्मों की भाषा कितनी बदली है, माँ बहन की गालियां तो आम हो गई, आप टीवी पे बैठे हैं उसमें माँ बहन की गालियां धड़ल्ले से होती है और सब आप देख रहे हैं फैमिली के साथ, जो कभी आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि आप बच्चों के साथ कोई ऐसी फिल्म देख रहे हैं जैसे माँ बहन की गाली हो। और अब खुले आम वो एक ऐसा ट्रेंड बन गया है
बिना गाली के कोई फिल्म पूरी नहीं होती, बिना अश्लील दृश्य के। वो भी पहले देखिए, अश्लील दृश्य जो होते थे प्रतीकात्मक होते थे, है ना। प्रेमी प्रेम का प्रेम कर रहा है तो भंवरा दिखा दिया, फूल दिखा दिया, दो फूल खिलते दिखा दिए। अब तो उसको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं कि जो ए, 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 मतलब दिल में है वही सामने है, वही पब्लिक के सामने है। तो ये समाज का पतन। आप देखिए, आप सोशल मीडिया को खोलिए, मैंने कई बार फेसबुक पे भी कंप्लेंट किया, इंस्टाग्राम पे भी कंप्लेंट किया, इतनी अश्लील चीजें आती हैं कि लोग हैं, बच्चा भी कोई क्लिक करेगा तो उसको वो सब चीजें दिख जाती हैं। तो अब तो देखिए, कोविड काल में ऐसा होगा कि बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया, और बच्चों की जो पहुंच, पहले थोड़ा सा वो डर भी था कि भाई, अब तो बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं, इससे किसी का वास्ता ही नहीं रहता है, क्योंकि मोबाइल उनके हाथ में है, एक पढ़ाई का वो रहता है। तो पढ़ाई आप देखिए सोशल मीडिया पे एक गंदे गंदे और खुले आम, मतलब जैसा लगता है कि वो कोई कोठा हो, इस तरह की चीजें देखने मिलती है। और कई बार मैंने शिकायत की तो वहां से आता है कि ये हमारे नियमों के खिलाफ नहीं है, हमारे कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ नहीं है, आप चाहे तो देखना बंद कर दें या इसको ब्लॉक कर दें। अब ये बताइए, जवाब आता है तो इस जवाब का क्या करें, हम बंद कर देंगे मगर जो और लोग हैं वो तो बच्चे देखेंगे ही ना। और फिर क्या, आप एक मान लिया आपने एसई टाइप किया तो सीधे सेक्स आ गया गूगल में, अब वो जब बच्चा जो एसई से कुछ और ढूंढ रहा है वो उसकी तरफ चला जाएगा, और एक बार अगर उसने वो चीज देख ली या उसके दिमाग में बैठ गया तो बार बार फिर वही सर्च करेगा। सिनेमा एक माध्यम है, कला माध्यम है, संप्रेषण का माध्यम है, और सिनेमा जब भारत में आया तो इसने भारत की संस्कृति, उसकी परंपराओं से गहरे सरोकारों को प्रकट किया, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सिनेमा का हमारे देश में काफी विकास हुआ। सिनेमा ने देश की प्रगति और समाज के को संगठित करने में, रिश्तों, मानवीय रिश्तों के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन आज हमारा समाज इन सब सारी बातों से दूर होता चला जा रहा है, और इसका प्रभाव सिनेमा पर भी पड़ रहा है। सिनेमा के पर्दे पर अराजकता ना आए, समाज चिंतन को लेकर, जीवन संस्कृति के प्रदर्शन को लेकर, और इससे जुड़ी आपकी चिंताएं बहुत स्वाभाविक हैं। आपने दूरदर्शन के सीरियलों के बारे में भी बताया है, और सिर्फ दूरदर्शन ही नहीं, आज बहुत सारे चैनल्स हैं, मीडिया ने सारी संसार को ग्लोबलाइज कर रख दिया है, और मीडिया को लेकर वैश्विक स्तर पर एक विमर्श चल भी रहा है कि मीडिया जो है अपराध को प्रभावित कर रहा है, लोगों की संवेदनाओं को विकृत विद्रूप बना रहा है। तो इससे जुड़े जो बदलाव हैं वो किस रूप में सामने आएंगे, ये आगे समय की बात होगी। फिलहाल आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने विविध विषयों पर हमसे बातचीत की, आपके बारे में जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। आपकी जो पुस्तकें प्रकाशित होने वाली हैं, जिनके प्रकाशन में आप संलग्न हैं, हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, और आज के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत आभार, आपने मुझे खोजा कहीं से और मुझे इस मंच पर लेकर आए, एक बहुत अच्छे मंच पे, और बहुत अच्छे अच्छे आपने सवाल किए। पता नहीं मैं उन सवालों का पूरी तरह से जवाब दे पाया या नहीं, परंतु आपके सवाल बहुत अच्छे थे और आज के समय के लिए बहुत प्रासंगिक भी थे। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं अपनी बात आपके प्लेटफॉर्म पर रख सकूँ। आपका भी बहुत बहुत नमस्कार।